प्रदेश सरकार द्वारा 40,000 से अधिक होमगार्डो को ड्यूटी से निकाले जाने के संबंध में शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक ने एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि जो होमगार्ड हटाए गए हैं उन्हें तत्काल बहाल किए जाए। सरकारी कर्मचारियों को भारी वेतन के बावजूद उनके में भत्तों की आदि में लगाकर बढ़ोतरी की जा रही है। वह दीपावली के अवसर भी सभी को बोनस की घोषणा कर दी है। वहीं होमगार्ड ड्यूटी कम करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सब विदित हो कि प्रदेश के सभी होमगार्ड अति निर्धन वर्ग से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद होमगार्डों का मानदेय 670 रुपए एक दिन होने से उनमें खुशी की लहर थी। प्रदेश सरकार इस तुगलकी फरमान होमगार्डों के परिवारों को बहुत निराशा हुई है। अतः शिवसेना की मांग करेगी प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड की ड्यूटी कम करने की घोषणा को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। होमगार्ड को एरियर भुगतान दिवाली से पहले एक मुफ्त किया जाए। निष्कासित किए गए होमगार्डों की सेवा बहाल की जाए। यदि मांगों पर अमल नहीं करती तो शिवसेना बड़ा आंदोलन करेगी। किस मामले में आपने ज्ञापन दिया? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में 41,599 होमगार्ड हटाए गए, उन्हें बहाल करने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि हिंदुओं के सबसे बड़े और पवित्र त्यौहार दिवाली पर प्रदेश सरकार ने 41,599 होमगार्डों के पेट पर लात मार दी है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र 41,599 हटाए गए होमगार्डों को बहाल किया जाए, अन्यथा शिव सैनिक पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालयों पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।